तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग के हो गए 6:33 और हनुमान चालीसा सुनते सुनते स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी की शुरुआत। सुबह हो गई, ऑलमोस्ट उजाला हो गया। लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया। तो ऑलमोस्ट एक साल एक महीना राइड पे जा रहा हूँ मैं। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया राइड से, क्योंकि लास्ट राइड की एंड ही ऐसी हुई थी कि ब्रेक लेना पड़ गया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे ज्योतिर्लिंग राइड के, तो मैं और पंकज भाई गए थे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, बट मिड वे में छोटा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से जर्नी को एंड करना पड़ा बीच में ही। सो अगर मैं राइड की इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स नासिक। नासिक को क्रॉस करते हुए सप्तशृंगी देवी माता का मंदिर है, जो नासिक से भी ऑलमोस्ट 70-80 अराउंड किलोमीटर नासिक से आगे है। तो टोटल राइड वन साइड 240 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा, तो मतलब अप्रॉक्स 500 किलोमीटर की राइड होने वाली आज पूरे दिन भर में। मैं एंड पंकज भाई जा रहे हैं राइड पे, तो पंकज भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर बाद आगे मुझे मिलने वाले हैं। भाई ठीक है? ओह शिट, क्या हुआ? स्किट हुआ क्या बाइक? आग लग गया। अच्छा आग लग गया। लगा बगा तो नहीं है ना? लगा है तो मेरे पास कुछ ये मलहम पट्टी वगैरह कुछ है तो मैं देता हूँ। इधर तुम्हारा हेडलाइट भी यार निकल गया, थोड़ा आराम करो पहला। लगा क्या? थोड़ा लगा है। ठीक है यार, बच गए। भाई का एक्चुअली बोल रहे आँख लग गया था तो उसकी वजह से गिर गए, बट ये अच्छा हुआ कि कुछ ज़्यादा नहीं लगा। हल्का सा हाथ पे कट आया छोटू सा। गाइस बहुत ध्यान से चलाना चाहिए और नींद होनी चाहिए अगर बाइक राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि आँख लगने का बहुत चांस रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हल्का झपकी लगती है। बी सेफ, हैव अ सेफ राइड एवरीवन। और ये है हमारा मीटिंग पॉइंट टर्निंग। यहाँ पंकज भाई होने चाहिए। ओहो, पंकज भाई नहीं है, कहाँ गए भाई? सो लेट्स वेट फॉर पंकज भाई। तब तक के लिए मैं बाइक एक बार देख लेता हूँ और राइडिंग गियर्स भी पहन लेता हूँ। तो पंकज भाई आ गए अभी और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे। यहाँ से भी 225 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन और टाइम हो गया है 6:59 हो गया, 7 बज गए। तो देखते कितना टाइम लगता है। यहाँ से चैन लूप कर लूँ फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। भाई कौन सा लूप है, वो निकल ही नहीं रहा है, तो पानी निकल रहा है इसमें से। तो सारे राइडिंग गियर हो गए। गणपति बप्पा मोरिया। गूगल मैप पे 5 घंटा दिखा रहा है पहुँचने के लिए, तो बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक पकड़ो, 1:30 बजे तक पहुंचना चाहिए हम लोग। और पंकज भाई आगे जा रहे हैं और मैं उनको फॉलो करते हुए। बहुत दिन के बाद रोड पे आओ तो थोड़ा हेजिटेशन रहता है, वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। सो ऑन वे टू नासिक 13 महीने बाद वंस अगेन ऑन रोड और सनराइज होते हुए। माहौल एकदम ठंडा है क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट हाफ बीत चुका है, तो ठंडी आने वाली है, तो ठंडा लग रहा है बट दोपहर में गर्मी लगेगी। चलो मुंबई की फर्स्ट टोल क्रॉस करते हुए टूवर्ड्स नासिक। ये मुंबई थाने से कटते हुए रोड हाईवे अब जा रहा है ये टूवर्ड्स नासिक। तो ये मुंबई आगरा हाईवे है, ये सीधा चले जाता है अभी टूवर्ड्स नासिक, कहीं टर्न नहीं लेना है हमें। नासिक पहुंच के फिर वहां से एक लेफ्ट कटता है जो सप्तशृंगी वहां से लेके जाएगा। और रोड बहुत प्यारा है, एक बार मैं जा चुका हूँ, कोविड के पहले गया था मैं और पंकज भाई गए थे, तभी मैंने शूट नहीं किया था, ब्लॉग वॉग नहीं बनाया था, बट ऐसे ही निकल गए थे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। फिलहाल इसको वाइड करने का प्रोसेस है, वो चल रहा है ये रोड को। क्या बात है, मुंबई आगरा हाईवे इतना वाइड बना रहे और सीमेंट की रोड। तो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के बाद पेट्रोल ब्रेक
तो यहाँ पे 710 रुपए का पेट्रोल हो गया और अभी हवा भराने के लिए खड़े हैं। टाइम हो गया है 7:49। कभी रुकना है? अभी चलाते रहते हैं ना, थोड़ा टाइम बाद ही रुकते, देखते कसारा क्रॉस करके ना उसके बाद ही देखते। चलो चलो आप आगे चलो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। लेट्स स्टार्ट अगेन। वैसे राइड करने एक्चुअल में मज़ा आ रही है, ठंडा ठंडा मौसम है तो रोड भी मस्त अभी हो गया है, सीमेंट रोड हो गया है। डाइवर्जन थोड़े थोड़े है लेकिन उससे कुछ ज़्यादा तकलीफ हो नहीं रहा है। नासिक 122 किलोमीटर यहाँ से, हम लोग अभी स्पीड जो है 80 के अराउंड ही रख रहे हैं। ये क्या भाई इतना लाइन टोल पे, बट अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, बाइक वालों के लिए यही बेनिफिट है। रोड और मौसम दोनों और बेटर हो गया है जैसे जैसे राइड आगे बढ़ी है, ग्रीनरी थोड़ा बढ़ते जा रहा है। और अभी शाहपुर पहुंच गया, शाहपुर क्रॉस करते हुए क्या हुआ? चलो भाई यहाँ पे थोड़ा एक लू ब्रेक, पंकज भाई के वाइजर पे कीड़ा कोई टकरा गया तो क्लीन कर रहे हैं। घर से जब से स्टार्ट किया है टोटल 94 किलोमीटर की राइड हो गई है और यहाँ से 140 किलोमीटर और जाना है। टोटल 3 hour 20 मिनट बता रहा है और 8:45 हो गया है। तो ये है राइड का अपडेट। तो यहाँ पे फटाफट स्ट्रेचिंग और फ्रेश होके फिर आगे बढ़ता हूँ। लेट्स रीस्टार्ट। अब थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, फिलहाल अभी मज़ा आ रहा है चलाने। और यहाँ एक सड़ेला सा डाइवर्जन मिला, एक सड़ेले डाइवर्जन के बाद एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा और ऑलमोस्ट इगतपुरी पहुँचते हुए। बड़ा गर्दी है यार ये घाट पे तो, कितनी गाड़ियाँ जा रही है। और ये हम लोग पहुंच गए घोटी, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं एक। इधर खाते प्योर वेज है। घोटी पहुंचे ना जिधर एक बार एक्सीडेंट हुआ था नील का, मेरे हमने मैं गिरा था बाइक लेके, फिर हॉस्पिटल गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे। हाँ वही स्पॉट है, वही स्पॉट है ना, थोड़ा पहले टोल के पहले हुआ था, फिर इधर आगे गाँव में गए थे। 128 किलोमीटर की राइड के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक लिया और कुछ ऑप्शन नहीं है, हेल्दी खाने का भी ऑप्शन नहीं है, तो अब मिसल पाव ले रहे हैं। तो यहाँ से 104 किलोमीटर और है और 2.5 घंटा दिखा रहा है टाइम। तो हमारा नाश्ता हो गया है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो ऑल सेट टू रीस्टार्ट वंस अगेन। यहाँ से नासिक और 32 किलोमीटर है, बट हमें सिटी में तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ जाना नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नासिक में तो नहीं है। नासिक को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड में हल्का जाना है हमें, वहाँ से और हमें आगे 70 किलोमीटर जाना है। जैन धर्म चक्र प्रभाव तीर्थ नासिक। तो अभी अपने को थोड़ा लेफ्ट रखना है, ये फ्लाईओवर नहीं लेना है। तो अपन नासिक में एंटर कर चुके हैं, ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से हम लोग हाईवे के पैरेलल में ही चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता देखना पड़ेगा, अभी कौन सा टर्न लेना है, यही रोड लग रहा है। नासिक सिटी में थोड़ा हम घूम सके हैं पंकज भाई मैप देखते हुए। इतने सारे लेफ्ट राइट करने के बाद अभी ये रोड मिला है, अब इस पर 40 किलोमीटर कंटिन्यू आगे चलना है। 10:50 हो गए, लास्ट टाइम हम लोग आए थे वनी तो कोई दूसरे रोड से अंदर घुसे थे नासिक में से, इस बार थोड़ा अलग रोड से घुसे तो थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट राइट हो गया। अभी क्या ये नया नया रोड रहता है या पता नहीं रहता है, तो ज़्यादा भगाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कभी स्पीड ब्रेकर पॉट हो या क्या आ जाए। क्या बात है, ईवी चार्जिंग स्टेशन ग्रो कर रहा है भाई, इंडिया ग्रो कर रहा है। ये बस वाले ने कब से परेशान कर रखा है। कोई लेक है बहुत बड़ा, धो मुंह धो। यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा एक ब्रेक लिया हुआ है,
एक बड़ा लेक है वो देखा, तो हम लोग थोड़े सोचे थोड़ा रुक जाते हैं। साफ है ना यार, हेलमेट ऐसे मत रखा करो, उल्टा रखा करो, कुछ कीड़ा वीड़ा अंदर घुस जाएगा, मूंगी घुस जाएगा ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुको मैं भी मुंह धोता हूँ। पकड़ो, यहाँ पे हमने बैठ के थोड़ा नाश्ता किया और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। लेक है बड़ा, पता नहीं कौन सा लेक है। पंकज भाई चिप्स खाते हुए, कुछ है भी नहीं और खाने के अलावा। और एक अच्छे से ब्रेक के बाद वापस स्टार्ट करते हुए, यहाँ से 28 किलोमीटर बस बचा है टेंपल का डिस्टेंस और 45 मिनट बचा है, और हमने डिसाइड किया है कि अब डायरेक्ट टेंपल पे ही रुकेंगे, बाकी फ़ोटो सेशन जो वहाँ पे घाट एरिया वगैरह है वो सब रिटर्न के टाइम हम करेंगे। जय श्री राम। बाल धो लिया अभी, मस्त एकदम ठंडा लग रहा है। वाह क्या बढ़िया रोड है, ग्रीनरी ग्रीनरी। ये हम लोग अभी दिंडोरी गांव में पहुंचे हैं, दिंडोरी दिंडोरी। और अभी यहां से दूर पहाड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, घाट सब। अब आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है नहीं, थोड़ा विजिबिलिटी कम है। ये बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने। ये जो लास्ट का 25 किलोमीटर है ना, एक नंबर है। 25 के पहले जो 70 किलोमीटर था वो थोड़ा पेनफुल लगा। तो अभी वर्णी पहुंच गए, यहाँ से कोई तो गेट है जहाँ से 10 किलोमीटर और घाट पे जाना पड़ता है। यस वो गेट आ गया, सुस्वागतम मंदिर जाने का। नांदूरी पुलिस चौकी से, अगर किसी को आना है तो नांदूरी पुलिस चौकी से ये गेट अंदर वर्णी गांव में। अब ये जो रास्ता है ये पूरा एग्जैक्ट 10 किलोमीटर का है, जो पूरा घाट एरिया है, बट बहुत ब्यूटीफुल है और ख़ास करके बारिश में तो वाह वाह वाह। जय माता दी। ये टेम्पो में भजन करते जाते हुए लोग, और लास्ट टाइम आया था ना बिल्कुल कोई नहीं था, बारिश के टाइम पे आया था मैं, बट मतलब हार्डली कोई गाड़ी दिख रही थी। आज तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड लग रहा है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जाने आने में। मुझे नहीं पता था इतना क्राउड होता है यहाँ पर, ट्रक भर भर के लोग जा रहे, टेम्पो भर भर के लोग जा रहे। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है। भाई घाट एरिया ख़त्म हो गया, एकदम टॉप पे आ गए हम घाट के, और यहाँ से मंदिर बस अब पहुँचने ही वाले हैं। हार्डली कुछ ही मीटर या एक किलोमीटर बचा होगा, फाइनली पहुँचे। पार्किंग ढूंढना पड़ेगा भाई, पार्किंग के लिए आगे ही चलते मंदिर के पास, यहाँ करके मतलब नहीं है। ओहो हो जा मेरे पापा, ठीक है। हाँ बाप रे कितना क्राउड था, ये रहा टेम्पल भाई, बहुत क्राउड था यार, कितना क्राउड है। बाइक पार्क करके हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, और पंकज भाई और मैं सीढ़ी की तरफ जाते हुए। सीढ़ी चढ़ना चालू की, हम लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब सीढ़ी वैसे रुक रुक के चलना पड़ रहा है। टोटल 500 स्टेयर्स है। माता कौन सा बदला लिया, पिछली बार 10 मिनट में दर्शन दिया, इस बार 3 घंटे लाइन में खड़ा किया, ऐसा क्यों किया? अभी कितना बज रहा है? अभी भी हुआ नहीं दर्शन माता, 1 बजे स्टार्ट किया था, 3:08 हो रहे हैं, पानी भी नहीं मिला, प्यास लगी, खाया नहीं हुआ अभी तक, उसकी माता आई थी। दर्शन हो गया, 4:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग नीचे उतर रहे फटाफट। एक 15 मिनट से कम में टारगेट है कि उतर जाए, बस बीच बीच में स्लो होना पड़ रहा है लोगों की वजह से। 4 घंटे की लाइन, 4 सेकंड का दर्शन होने के बाद
नीचे उतरे, भूख एकदम बर्दाश्त के बाहर थी, जो मिला हम लोग खा रहे अभी मिसल पाव। और मिसल में थोड़ा टेस्ट कम था तो चटाका पटाखे ले लिया थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। अंकल भाई भी खा रहे, अभी खाने के बाद हम लोग यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है आओ। तो दर्शन करके, खा पी के, नाश्ता करके, सब कंप्लीट करके टास्क अब घर की ओर अपन चलते हुए। लेकिन घर जाने के पहले अभी यहाँ से एक 3-4 किलोमीटर पे सेल्फी पॉइंट वगैरह है, तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकाल के फिर नॉन स्टॉप घर की तरफ हम लोग जाएंगे। अरे बाबा इधर तो सेल्फी पॉइंट पे भी इतना क्राउड, रुकना है ना। हाँ वही आगे फ़ोटो कहीं ले लेते, इधर मतलब नहीं है रुक के, परेशान जगह पे रुक के फ़ोटो लेंगे। इधर रुकते थोड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्फी और फ़ोटो निकाल के हम लोग अब फाइनली यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये राइड मुंबई टू नासिक वनी सब चंडी देवी टेम्पल तक का जो राइड था मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और पिछले सारे बाकी प्लेलिस्ट भी जो अपलोड किया है वो भी देख लेना, ज्योतिर्लिंग राइड, साउथ इंडिया राइड, मनाली राइड, बाकी सब देख लेना प्लीज़। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए बाय।